हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी मैं आज स्विट्ज़रलैंड के माउंट टिटलिस का विज़िट करने वाली हूं। और माउंट टिटलिस ये वही जगह है जहां पे हमारे शाहरुख खान और काजोल की मोस्ट फेमस फिल्म दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे की शूटिंग हुई थी। और ये देखिए कितनी ब्यूटीफुल सी रिवर बह रही है। द व्यू इज़ अमेजिंग एंड हेयर वॉट यू फील लाइक समथिंग डिफरेंट। एंड यू कैन सी द केबल कार्स देयर। वहाँ पे अभी हम जाके टिकट लेंगे और टिकट लेके केबल कार्स के थ्रू ऊपर माउंट टिटलिस पे जाएंगे, विच इज़ 10,000 feet। आप देख सकते हैं ब्यूटीफुल कितना ज़्यादा है। और आज हम आपको दिखाने वाले हैं पूरी DDLJ की जहाँ जहाँ शूटिंग हुई थी, माउंट टिटलिस के ऊपर हुई थी, वो सारी जगह दिखाएंगे, कटआउट भी दिखाएंगे शाहरुख काजोल का। तो बने रहिए वीडियो में और चलते हैं आगे। और यहाँ पर काफ़ी सारी शॉप्स भी हैं, इनकेस आप विंटर वियर लाना भूल जाए तो परचेज़ कर सकते हैं, बट बहुत ही महंगे विंटर वियर हैं यहाँ पर। फ्रेंड्स, तो ये देख लीजिए ये केबल कार है और इस तरह से स्ट्रोलर फ्रेंडली भी है। आराम से अपना स्ट्रोलर बेबी के साथ आए हैं तो आप लेके आ सकते हैं। और ये देखिए अभी ये गेट बंद हो जाएगा। अपने इंडिया में मुझे याद है मेरी दादी बोलती थी इसको उड़न खटोला, वो यहाँ पर इसको केबल कार बोलते। और ये देखिए ये डोर बंद हो गया और अब ये हमें सीधा ले जाएगा माउंट टिटलिस पे। और आप पीछे देख सकते हैं ये देखिए। देखिए अब हम पहुंचने वाले हैं बिल्कुल टॉप ऑफ माउंटेन। ये देखिए टिटलिस पे पहुंचने वाले हैं। एंड द व्यू इज ऑसम एंड इट्स काइंड ऑफ अ लिटिल बिट स्केरी। आप देख सकते हैं पीछे बहुत ज्यादा हाइट है। और यहाँ पर हमें रेडी होना है उतरने के लिए। चलो नहीं बना, चलो ओके नाउ गेट्स इट रेडी। तो फ्रेंड्स, अभी जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं माउंट टिटलिस के ऊपर यहाँ टॉप पे पहुँच के आपको दिखाऊंगी DDLJ का कटआउट। सो ये दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे की शूटिंग यहाँ पर हुई थी। और ये देख सकते हैं अपने शाहरुख भाई और काजोल जो है बिल्कुल प्रॉपर इंडियन भाई बंधु सब आते हैं यहाँ पे, बढ़िया टाइम लेके फ़ोटो खिंचाते हैं, अलग अलग एंगल से फ़ोटो खिंचाते हैं। और बहुत ही मज़ेदार लगता है कि स्विट्ज़रलैंड को पॉपुलर करने वाले हमारे इंडियन भाई, हमारा बॉलीवुड है। तो इट्स लाइक अ नाइस फीलिंग व्हेन यू कम इन अ फॉरेन कंट्री एंड यू सी समथिंग इंडियन। और ये साइड जो है ये आपका आइस फ्लायर और क्लिफ वॉक का है। इधर से दिखाते हैं आपको 250 स्टेप्स हैं। और इधर साइड में आपको दिखाती हूँ ये टिटलिस, इसका फ्रंट जो है ये आपका दिखा दिया, ये फ्रंट है माउंट टिटलिस 10,000 फीट की ऊंचाई पर है ये। और कुछ नहीं दिख रहा आसपास, फॉग बहुत, बेटर टू चेक वेदर फर्स्ट देन कम। भैया यहाँ जरूर कराना फोटो सेशन। सारे इंडियन भाई बंधु ना यहाँ आके फोटो जरूर खिंचाते हैं। तो अभी देख सकते हैं आप, कुछ नहीं दिख रहा है आसपास, कुछ भी नहीं है, फॉगी है। और इधर साइड से क्लिफ वॉक भी है, ये देख सकते हैं आप 250 स्टेप्स हैं। अगर आप कैपेबल हो तो कर सकते हो, नहीं कैपेबल हो तो छोड़ भी सकते हो, मैंने छोड़ दिया। ये क्लिफ वॉक है, अभी आप देख लीजिए यहाँ पर कुछ आर्टिफिशियल नहीं लगा है, तो अगर आपकी हिम्मत पड़े बन पड़े तो करिए। ये देख लीजिए ये बर्फ़ है पूरी यहाँ पर, और ये बहुत स्लिपरी है और थोड़ा सा रिस्की भी है, कुछ पकड़ने वगड़ने का दिख नहीं रहा है यहाँ पे। अगर 250 स्टेप्स हैं यहाँ पे 250। और ये देखिए टाइमिंग सब लिखी हुई है, 9 पे स्टार्ट करते हैं, 5 बजे लास्ट है। तो फ्रेंड्स अभी मैं जा रही हूँ ग्लेशियर केव में और दिखाते हो यहाँ पर, मीन्स बर्फ़ की गुफा काइंड ऑफ है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत कोल्ड सा फील हो रहा है, सच में लग रहा है माइस की केव में ही आ गए। देखते हैं कितना टाइम लगता है। सो
तो फ्रेंड्स देखिए बिल्कुल केव का फील आ रहा है, और ठंडी तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर है, तो अच्छे से आप अपने को कवर करके आइए। और ये देखिए बच्चों को अच्छे से कवर करिए, यहाँ पे बिल्कुल बर्फ की गुफाई की तरह लग रहा है। सो फ्रेंड्स ये बिल्कुल एक्चुअल आइस केव है, और ये देख सकते हैं हाथ एकदम बिल्कुल जम रहे हैं, और बहुत ठंडा है, तो थोड़ा सा वीडियो बना रही हूँ बाकी, क्योंकि बच्चे के साथ में हूँ और थोड़ा सा हस्बैंड भी बच्चे को लिए हुए हैं, तो इसलिए थोड़ा डिफ़िकल्ट है। तो अब मैं आपको इसके बाहर मिलती हूँ। सो फ्रेंड्स ऊपर आ चुके हैं, माइनस में टेम्परेचर है, बहुत ठंडी है, और ये क्लिफ वॉक है, आइस केव हम कर चुके हैं जो कि आपको हमने वीडियो में दिखा दिया। ये क्लिफ वॉक है, आज बहुत फॉगी है, कुछ आसपास नहीं दिख रहा है देखिए, और वेदर चेक करके आइए तो ज़्यादा बेटर है। तो यहाँ पर माउंट टिटलिस पे जो है आपकी दो एक्टिविटीज़ हो गई, आपकी आइस केव हो गई, और दूसरा ये क्लिफ वॉक हो गई है। क्लिफ वॉक ऊपर तक है, जितना आपका अलाउ करे बॉडी आप उतना जा सकते हैं। सो फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पर कितनी मोटी आइस जमी हुई है, और ऊपर आए तो ग्लव्स लेके आए, हैंड्स में थोड़ा सा ना वह ठंडे हो जाते हैं, तो ये बच्चों के भी अच्छे से लेके आए कपड़े वगैरह, और आसपास तो कुछ दिख नहीं रहा है। फ्रेंड्स ये देखिए इंडियन खाना भी यहाँ अवेलेबल है, देखिए कितने बड़े समोसे, आपने देखा इतना बड़ा समोसा, ये देखिए कितना बड़ा समोसा चाय के साथ में। और हमारे ऐसे देसी फूड लवर्स जो है ना, उनके लिए ऊपर वाला थोड़ा बहुत इंतजाम कहीं कहीं कर ही देता है। और मैं अभी स्विट्जरलैंड में जितनी जगह गई हूँ मुझे फुल ऑन इंडियन फूड मिला है, तो मैं ये इंजॉय कर रही हूँ। और ये नीचे ही माउंट एटलस के रेस्टोरेंट बना हुआ है, इन केस ऑफ इंडिया इफ यू आर सर्चिंग फॉर इंडियन फूड यू कैन सी। सो फ्रेंड्स कैसी लगी आज माउंट टिटलिस की विज़िट हमारी, आपको कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो के थ्रू बहुत कुछ दिखाने की कोशिश की है, फिर भी जो रियल एक्सपीरियंस है वो अलग ही होता है। सो कीप ट्रैवलिंग इफ़ यू लाइक टू एक्सप्लोर वर्ल्ड, इवन इट वॉज फॉगी टुडे बट स्टिल इट वॉज अमेजिंग फीलिंग। तो वीडियो के थ्रू बहुत कुछ आइडिया होता है, इन्फॉर्मेटिव होता है, बट कहीं जब आप जाते हैं घूमने उस जगह को एक्सप्लोर करते हैं इफ़ पॉसिबल, तो वो अलग ही तरह की फीलिंग होती है। तो हमेशा लाइफ में एक्सप्लोर करते रहिए, घूमते रहिए, इनकेस अगर आप कैपेबल नहीं है उस जगह जाने के तो वीडियो के थ्रू भी आप देख सकते हैं, कुछ थोड़ा बहुत आनंद तो आ ही जाता है। और कल का हमारा ट्रिप रहेगा लॉटरब्रूनेन का, वहाँ भी दिखाएंगे आपको क्या क्या चीज़ें करने वाली हैं। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें और खुश रहें। थैंक यू सो मच।